हिमाचल के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हर विधानसभा सीट का आंकलन खुद करेंगे। वे दो दिन के लिए हिमाचल आ रहे हैं और चारों संसदीय सीटों की ग्राउंड रिपोर्ट खुद लेंगे। भाजपा की ओर से जारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यक्रम के अनुसार 9 अक्टूबर को जेपी नड्डा गगल एयरपोर्ट पर सुबह 8:30 बजे आएंगे और 11 बजे मंगलम पैलेस चंबी में कांगड़ा लोकसभा क्षेत्र की भाजपा की बैठक लेंगे। इसमें जिला परिषद अध्यक्ष उपाध्यक्ष और सदस्य, बीडीसी अध्यक्ष उपाध्यक्ष और सदस्यों, नगर पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष और पार्षदों, नगर निगम के मेयर डिप्टी मेयर और पार्षदों, नगर निगम अध्यक्ष उपाध्यक्ष और पार्षदों तथा पंचायतों के प्रधानों और उप प्रधानों को भी बुलाया गया है। नड्डा के इस दौरे के दौरान संगठन की ओर से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह और हिमाचल भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना समेत अधिकांश नेता मौजूद रहेंगे। कांगड़ा की इस बैठक के बाद जेपी नड्डा हमीरपुर आएंगे और 3 बजे से पॉलिटेक्निकल कॉलेज बड्डू के ऑडिटोरियम में हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र की बैठक होगी। इसमें भी जिला परिषद से लेकर पंचायत तक सभी प्रतिनिधियों को बुलाया गया है। इसके बाद रात्रि विश्राम के लिए जेपी नड्डा अपने घर विजयपुर जाएंगे और अगले दिन सुबह मंडी संसदीय क्षेत्र की बैठक मंडी के विपाशा सदन में होगी। मंडी के बाद 3 बजे जेपी नड्डा सोलन के ठोडो ग्राउंड में शिमला लोकसभा क्षेत्र की बैठक लेंगे। इसके बाद प्रदेश विस्तारक प्रशिक्षण वर्ग का शुभारंभ भी राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे और फिर चंडीगढ़ के लिए रवाना हो जाएंगे। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी फिर से हिमाचल दौरे पर आ रही है। वे 10 अक्टूबर को हमीरपुर के बिछड़ी में और ऊना के बासल में नारी को नमन कार्यक्रम को संबोधित करेगी। ये कार्यक्रम भाजपा महिला मोर्चा द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं।